मेरी बीवी तवायफ, ये तवायफ का काम कर रही है। देखिए कैमरा लगा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आदाब, मैं इनकी वाइफ। क्या नाम है आपका? मुमताज बेगम। अच्छा मुमताज जी, हाँ जी। ये आपके ऊपर कुछ आरोप लगा रहे हैं कि आप नाच गाने के नाम पर कुछ गलत काम करते हो आदमियों के साथ। अच्छा, और ये घर बैठ के क्या करते हैं? अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, और मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ। ये आप मुझे जानते हो? एक मिनट मैडम, आप मुझे जानते हो? हाँ, आपको मैं जानती हूँ, आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। आप, इन्होंने आपको बताया होगा कि मुझे बुलाया इसने। हाँ जी। और देखो ये कैमरा ऑन है, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, आपसे कुछ पूछूंगा, उसको सही जवाब देना, ठीक है? हाँ जी। मैं आपके ऊपर कुछ गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये आदमी वायफ है, तो वायफ मुजरा करती है ये। हाँ, करती हूँ मैं मुजरा, अपने बच्चे का पेट पालती हूँ, घर का खर्चा चलाती हूँ, तुम्हें पालती हूँ, तो मैं मुजरा करती हूँ। तुम जाओ ना कमाने। मैं कमा लूंगा, लेकिन मैं आपको ये गलत काम नहीं करने दूंगा। ये तुम गलत वर्ड यूज कर रहे हो, तुम तवायफ गर्दी नहीं करोगी। जाओ, कुछ नहीं पता। करती हूँ। क्यों करती हो तुम? मैं यहाँ पे आप खड़ी हो, यहाँ बैठी रहूंगी, घर पे जाऊंगी। जाओ, अब तुम कमा के लेके आओ। देखो मैं तुम्हें ये सब काम नहीं करने दूंगा। मैं तुम एक महीने में भी नहीं कमा सकते हो। क्यों नहीं कमा सकते? जाओ, क्यों नहीं कमा सकते? मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, लेकिन आपको तवायफ। हाँ हूँ मैं तवायफ, तुम्हें पाल रही हूँ, घर को संभाल रही हूँ, बच्चा पाल रही हूँ, तो हूँ मैं तवायफ। जाओ, इसे नवाब उठा के लेके जाते हैं, कोलियों में भर भर के लेके जाते हैं इसको। क्या करूँ मैं भैया, बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। इसने, इसने कि कौन हमें कोलियों में भर के ले गया, कौन हमारे ऊपर क्या कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है, क्या कर रहा है? जो हमारे ऊपर पैसे उड़ा रहा है, वही तुम्हारे पालती हूँ, वही घर का खर्चा चलाती हूँ, वही बच्चे को पालती हूँ, हूँ मैं तवायफ। जाओ, आप तवायफ करके मेरा खर्चा उठा रही है? हाँ जी करती। मुझे सारे समाज में जलील करना चाहती है आप। कौन सा समाज, कैसा समाज? उस टाइम पे वो समाज कहाँ गया था जब आप जॉब नहीं कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, समाज आ रहा था हमारा घर संभालने? आप तो पहले संभाल के बात कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं? मत कर, आप मत कीजिए बहसबाजी। मैडम आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप तवायफ हैं? या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? अगर ये 10 बार बोल रहे हैं, मान रही है भैया, मान रही है, ये मान रही है कि एक मैं नाचती हूँ, गाती हूँ, क्लब में जाती हूँ, बार में जाती हूँ, दारू पीती है, शराब गर्दी करती है ये। मैडम ये सब सिगरेट पीती है ये। अच्छा, आपने हमें कब देखा? आपने हमें कब देखा यार? मैं किसी के साथ जिस्म फरोशी तो नहीं करके आती। मैंने आपको देखा मैं नहीं, कभी मैं... किसी के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करके आती, कभी किसी के साथ सोके तो नहीं आ रही। मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है आप सोके आ रही हो या जाग के आ रही हो, कैसे आ रही हो? आप जब तुम 2-2 बजे 3-3 बजे रात को घर पे आ रही हो, तो कुछ ना कुछ तो करके आ रही होंगी। क्या मतलब है 3 बजे आने का आपका? मैडम वो टाइम आप भूल गए जब पी के आप रात को 4-5 बजे आते थे, वो टाइम भूल गए आप? तू मान जा, सुधर जा, तुझे बहुत समझा रहा हूँ, सुधर जा, मान जा। नहीं मत मेरी जिंदगी खराब करे, मान जा। तू पाल रही, तू मैं पाल रही हूँ, जाओ कमा के दिखाओ मुझे। मैं कमा लूंगा, लेकिन तू ऐसा काम नहीं करेगी, तुझे ये काम नहीं करने दूंगा मैं। देखो मैडम ये देखो, ये इतना छोटी सी जानी है बच्चा है, इसमें इसकी क्या गलती है? हमने कुछ कहा? पापा आपको मारते हैं, आप पीछे से क्या करते हैं? बच्चे को ये संभालना होता है, ये संभालना होता है भाई? सुनो, ये हाल देखा बच्चे का? मारता हूं। इसको ये हाल देखा बच्चे का? ये बच्चे का हाल होता है? बाबू सामने खड़े हो, आपसे पूछना चाहता हूँ। मैडम देखो बात ऐसी है, बात सुनो मेरी, बात ऐसी है, आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मैं आपके काम को गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? जो इन्होंने वर्डिंग यूज करी कि आप नाच गाना करते हो, बाबू आप जा सकते हो, जो भी आप नाच गाना कुछ भी करते हो, लेकिन एक समय से अपने बच्चे को समय दीजिए ना, आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। सुनिए सुनिए, ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई समय नहीं होता, आप रात रात भर घर पे नहीं आते हो, इस बात का झगड़ा है सिर्फ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप डांस कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अपने घर को समय दीजिए ना, आप अपना घर चला रहे हो। और भाई अगर तुम्हारे बस की कमाना है ना, सुनो मेरे भाई, कितना समय हो गया आपको ना कमाते हुए? मुझे 8 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई है इनसे। हाँ। जब से मैं कुछ काम 8 साल से आप कमा नहीं रहे हो। आप दिल्ली बताइए मैं कहाँ, किसके सामने आप भाई किसे फैलाने से अच्छा? हाँ जी, कमा आप लो। सुनो मेरी बात, आपको 8 साल हो गए ना कमाते हुए, आप दिल्ली शहर में रह रहे हो ना, दिल्ली शहर में रहने के बाद 8 साल से तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली? मैं नौकरी की काफी जगह ट्राई कर चुका हूँ। अब ये कह रहे हैं मैं रिक्शा चला लूंगा, नौकरी नहीं मिल रही, ये चीज पहले नहीं सोची गई? अभी आपने जब 4 साल से बीवी की कमाइयां खा रहे थे तब वो याद नहीं आया आपको? 4 साल तेरी सच्चाई मुझे आप पता चली है ना? अच्छा, अब मैं रिक्शा चला के पेट भर लूंगा तेरा। अच्छा? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये नाच गाना नहीं करने दूंगा। अगर अच्छा? मैं नहीं करने दूंगा तुमको, आप मजबूरी मैं कुछ भी करके पेट भर लूंगा तुम्हारा। मैडम मेरी बात सुनो, आप ये सब अपनी मजबूरियों की वजह से कर रहे हो। अब आपके हस्बैंड कह रहे हैं कि चाहे मैं रिक्शा चलाऊं, चाहे मैं कोई मजदूरी करूं, मैं आपका पेट भरूंगा, तो आप ये सब काम छोड़ सकते हो उसके लिए? नहीं, काम आप नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेगी तो मैं इसको तलाक दे दूंगा।
मैं इसको अपने घर में नहीं रखूंगा। तो भाई देखो वो आप कुछ भी हो जाए चाहे, अब मैं भाई इसमें ना आपको गलत ठहरा सकता ना आपको गलत ठहरा सकता, पब्लिक जो देख रही है सुनो मेरे भाई, मैं आपकी कैसे मदद करूं? मैं क्या आप ये सब बातें अपनी वाइफ की और आप इनकी बातें समाज में लाना चाहते थे ना, सुनो आप ये सब बातें समाज के आगे लाना चाहते थे ना, तो ये पब्लिक ही आपका डिसीजन करेगी, जो वीडियो देख के कॉमेंट करेगी वही आपको बताएगी कि आप गलत हो या आप गलत हो, ठीक है? क्योंकि आप जो भी आप काम कर रहे हो नाचने गाने का, आप वो नहीं छोड़ सकते जबकि आपका पति कमाने के लिए तैयार है, और आप इनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मेरे भाई आप बच्चे की जिंदगी खराब मत करो। मैं बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए सबको समझा रहा हूँ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रही है। ये सब बातें समाज के सामने लानी थी, इस वीडियो के जरिए आ जाएगी। बाकी आप तलाक लीजिए, आप साथ रहिए, आप कुछ भी करिए, वो आपकी पर्सनल मैटर है, वो मैं बोलने वाला कोई नहीं हूँ। आपने सिर्फ ये बोला था कि आपको समाज के सामने बातें लानी है। मैडम देखो हम हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर भी डालूंगा। आप प्राउडली अगर मेरे सामने कह सकते हो ना कि मैं नाच गाना करती हूँ और आप ऑन स्टेज सबके सामने कर सकते हो, तो इस वीडियो से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी नहीं, नहीं है नहीं। मैं डाल सकता हूँ ना, दुनिया को पता चल जाएगा कि तू कैसे कारनामे कर रही है, उनको वो पता चल जाएगा सच्चाई क्या है कि क्या वो है। तो मतलब तेरे हिसाब से मैं गलत हूँ? मैं गलत हूँ? आप ही गलत है। मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है? चाहे लड़ी कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लड़िए मत, सुनिए, सुनो मैडम, अरे यार सुनो, आप मुझसे तलाक लेना चाहती है? यार ये सब बातें आप कहां तक? नहीं देखो इसकी बच्चे सोच की कैसी है, खराब होएगी, कोई बात नहीं, 10 साल का बच्चा है इसका, फिर भी ये मेरे से तलाक लेना चाहती है। देखिए बच्चे को तलाक लेना चाहती है, ठीक है? ये आपकी लड़ाइयां आपके घर तक सीमित रहने चाहिए। आप लोगों को तलाक करना कुछ भी करना वो कोर्ट में जाके निपटिएगा। आपने मुझे बोलना था कि आपकी जो दिल की बात हो समाज के सामने ला दी, मैंने ला दी है, ठीक है भैया? आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है।